हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एप्पल कट कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बच्चे का मेजरमेंट लिया है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, हमने कितनी रखी है। इसकी जो लेंथ है वो 32 है। 32 में हमने 2 इंच ऐड कर लिए हैं, तो 34 रखेंगे। जो आर्म होल है वो रखा है 5.7। फिटिंग का साइज लिया है हमने 7.5 है, जो फिटिंग का साइज है उसमें 2 इंच हम ऐड कर लेंगे, तो ये 9.5 है। और जो कमर का नाप हम लेंगे 13 पे, जो कमर का नाप है वो लिया है हमने 7 लिया है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 9। ऐसे ही हम हिप का साइज 18 पे लेंगे, ये साइज लिया है हमने 8। जितना भी हमारा हिप का साइज होता है उसका 4 पार्ट लेते हैं, तो वो है 8। 8 में हम यहाँ पे हम सिर्फ हमने 1/2 इंच ऐड करना है। यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड किया, यहाँ पे भी 2 इंच ऐड किया कमर पे। हिप में हमने सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना है, 1/2 इंच से ज्यादा ना कीजिए। अगर आपने यहाँ से फोल्ड करनी है कुर्ती तो आप 1 इंच ले सकते हो। अगर आपने पाइपिंग लानी है तो आप 1/2 इंच से भी कम ले लो, बिकॉज उसमें कपड़ा थोड़ा ही फोल्ड होता है। तो जितना आपको पल्ला चाहिए उतना लेंथ में आप पल्ला ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 9.5 पल्ला रख लिया है इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको शेप दे देते हैं। ये शेप दे दी है। तो सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं, बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो ये पल्ला है इसका यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। जितना इधर से लेंगे उतना ही उधर से लेंगे। अगर आपका पल्ला है आप 4 इंच भी ले सकते हैं। इधर से लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। अगर आपका पल्ला बड़ा है तो आप ज्यादा लीजिए। इसको कट कर देते हैं। ऐसे ही इसका जो फ्रंट पार्ट है उसकी आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। जो इसका नेक रखेंगे वो रखेंगे 2.5 यहाँ पे रखेंगे। यहां से 1/2 इंच डीप कर देंगे इसको। यहां से थोड़ा सा डीप कर देंगे।
इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग के लिए जितना हमारा आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आर्म होल है 6, उसका 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 8 हम कपड़ा लेंगे, 8 इंच। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहां से लेंगे 2.5 इंच, 2.5, इसका 6, जितना हमारा आर्म होल है वहां पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से शेप देंगे इसको। ऐसे। अब यहाँ से 6 ले लिया, शेप दे देंगे। मोरी है इसकी 8, 8 का हाफ 4, 13 लेनी है हमने यहाँ से, 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से भी 13 लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो जो मूरी है वो है 8, 8 का हाफ 4, 4 से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ऐसे शेप दे देंगे, यहां से कटिंग कर लें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे ऐसे ओपन कर देंगे और यहां से अंदर को शेप देंगे, थोड़ा सा ऐसे डीप कर लेंगे।
पार्ट आगे आ जाएगा। ऐसे अब इसके पल्लों पे पाइपिंग लगाने के लिए मैंने सेम कलर की दो पट्टियां काट ली हैं, ये 2 इंच चौड़ी हैं। अगर आपको आपके पास कपड़ा थोड़ा है तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो और कलर की कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। मैंने सेम ही कलर लिया है। तो इसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे सूट का नेक बना लिया है, बाजू भी लगा ली है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए ये पहले यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ तक ये आधा इंच यहाँ छोड़ना है, इस साइड यहाँ तक लगा ली है। अब क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे सेंटर ऐसे, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहां से सिलाई लगाएंगे जिस तरफ ओपन है यहां रख के सीधी तरफ रखना, देखो इसकी सीधी साइड होगी, यहां रख के सिलाई लगा देंगे। जितनी आपको पाइपिंग मोटी चाहिए आप उतनी सिलाई छोड़ के यहाँ सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे, यहाँ से जहां तक हमें चाहिए। तो इसे सेम वैसे ही यहाँ से फोल्ड कर देना जैसे हमने स्टार्टिंग में फोल्ड किया था, यहाँ से भी वैसे ही फोल्ड कर देंगे। सिलाई लग चुकी है। अब क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे जितनी हमें पाइपिंग चाहिए। अगर और कलर की होती तो ज्यादा निकल के आती, ये सेम कलर लिया है मैंने। जितनी आपको पाइपिंग चाहिए इतना छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है, पाइपिंग पे नहीं लगानी, यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के जो बाकी का कपड़ा बचेगा यहाँ पे आप तरपाई कर सकते हैं उसकी। फ्रेंड्स ये पाइपिंग लगने के बाद इसकी लुक ऐसी आ जाएगी।
मैं ये ढाल के नहीं दिखा सकती बिकॉज ये मेरे साइज की नहीं है, ऐसी लुक आ रही है इसकी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।